नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। T20 और वनडे क्रिकेट में धमाल मचाने के बाद सूर्य कुमार यादव टेस्ट में धमाल मचाने को तैयार। इंग्लैंड में मौजूद भारतीय टीम में कुछ खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ को श्रीलंका से सीधा इंग्लैंड बुला लिया गया था। ये दोनों खिलाड़ी श्रीलंका में 3 मैचों की वनडे और 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए पहुंचे थे। भारत ने श्रीलंका को वनडे सीरीज में तो हरा दिया था, लेकिन कृणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कई खिलाड़ी T20 सीरीज में नहीं खेल सके और भारत को हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका से इंग्लैंड पहुंचने पर दोनों खिलाड़ियों को क्वारंटीन होना पड़ा था। वहीं अब दोनों खिलाड़ियों ने हाल ही में अपना क्वारंटीन समय भी पूरा कर लिया और दोनों खिलाड़ी लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान भारतीय कैंप से भी जुड़ गए। क्वारंटीन के बाद सूर्य कुमार यादव पत्नी देविका शेट्टी से 65 दिनों बाद मिले। पत्नी से मिलने के बाद यादव अपनी खुशी नहीं रोक सके और लंदन की गलियों में डांस करने लगे। सूर्य कुमार ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया। सूर्य कुमार का पत्नी संग डांस वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। IPL में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने वाले सूर्य कुमार जब श्रीलंका दौरे पर गए थे, उस समय उनकी पत्नी साथ में नहीं थी। वीडियो शेयर करते हुए सूर्य कुमार ने वीडियो का कैप्शन देते हुए लिखा, 65 दिन बाद लंदन की गलियों में देविका शेट्टी के साथ डांस। आपको बता दें कि श्रीलंका दौरे पर सूर्य कुमार ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 62 की औसत से 124 रन बनाए थे। उन्हें इसके लिए मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था। हालांकि T20 सीरीज में उन्हें सिर्फ 1 मैच में खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने शानदार अर्धशतक जड़ा था। उसके बाद भारतीय टीम से कृणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों को आइसोलेट कर दिया गया था, जिसमें सूर्य कुमार यादव भी शामिल थे। वहीं इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच 25 अगस्त से हेडिंगले में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है।